वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं करूंगा इंद्री सिंगल मॉल्ट विस्की का रिव्यू। ये एक प्योरली इंडियन विस्की है और मैं आज बहुत खुश हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पर्टिकुलर विस्की के ऊपर मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊं, बट मुझे प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा था यार। मतलब इतना बढ़िया सेल हो रहा है कि मैं कलकत्ता में ढूंढ ढूंढ के लास्ट में एक बॉटल जुगाड़ कर ही लिया इसका रिव्यू करने के लिए। फ्रेंड्स, ये ब्रांड लॉन्च होते ही तहलका मचा के रखा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो ब्रांड है ना, ये फॉरेन कंट्री में हमारा नाम रोशन कर रहा है। जी हाँ, बेस्ट सिंगल मॉल्ट विस्की बनाए द वर्ल्ड विस्की अवार्ड 2022 में। एक बार सोचिए यार, इन सब कॉम्पिटिशन्स में इंडिया का नाम आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा बात है। ऊपर से ये टॉप लेवल पे आ रहा है। जी हाँ, टॉप लेवल पे। पूरे इंडिया में ना इंडियन विस्कीज को लेकर मजाक उड़ाया जाता था फॉरेन कंट्रीज में। हम लोगों को कहा जाता था कि हम लोग विस्की के बदले रम पीते हैं। जी हाँ, मोस्टली जो होता है ना विस्कीज, वो मोलसेस से बनते थे, तो इसीलिए बहुत बदनाम था इंडिया विस्कीज के मामले में। बट अभी कुछ सिंगल मॉल्ट कंपनी ऐसा विस्की बना रहा है यार, वर्ल्ड विस्की मैप में हम लोग अपना छाप छोड़ रहे हैं। आज अगर कोई बात करता है इंडियन विस्कीज के बारे में, तो वो रेस्पेक्ट करता है इंडियंस को, क्योंकि वी कैन मेक वंडरफुल विस्की। इंद्री विस्की का विजन बहुत क्लियर था। इंद्री वांटेड टू चेंज द परसेप्शन एंड शो टू द वर्ल्ड दैट इंडिया कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट लिक्विड इन द वर्ल्ड। सो मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर विस्की के कारण, क्योंकि ये इंडिया का नाम रोशन कर रहा है फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में भी। जी हाँ, आपने अगर ट्राई नहीं किया तो बिल्कुल ट्राई कीजिए। आज मैं करूँगा इंद्री का रिव्यू और यहाँ से आपको बताऊँगा कि इसके पीछे का एक्सपेरिमेंट क्या क्या किया गया है, स्पिरिट कैसा है, कितना प्रीमियम है और क्यों ये बिल्कुल हटके है एज कम्पेयर टू एनी सिंगल मॉल्ट विस्की। बने रहिए मेरे साथ, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इंडिया में अभी आपको इंटरनेशनल क्वालिटी इंडियन सिंगल मॉल्ट बहुत सारे ब्रांड आपको ऑफर कर रहा है, बट उनमें से ये जो ब्रांड है ना इंद्री त्रिणी, ये एकदम अलग है। चलिए आहिस्ता आहिस्ता जानते हैं कि क्यों ये अलग है। फर्स्ट मैं बताऊंगा कि ये कौन सा कंपनी इसको बनाते हैं, तो मैं आपको बोल दूं कि इसको बनाते हैं पिकाडिली डिस्टिलरी, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर ऑफ द मॉल्ट स्पिरिट इन इंडिया। एंड रियली दे हैव डन इट, दे हैव चेंज द एंटायर परसेप्शन ऑफ सिंगल मॉल्ट विस्की। बाय द वे, आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आता होगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड इंद्री। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है इंद्री हिंदी में और इंग्लिश में लिखा है इंद्री सिंगल मॉल्ट विस्की, तो फिर इसको भी पता कर लेते हैं कि क्यों कहा जाता है इंद्री। पिकाडिली डिस्टिलरी लोकेटेड है हरियाणा का एक छोटे से गांव में, जिसको कहा जाता है इंद्री, और उसी नाम से इंस्पायर होके इस ब्रांड का नामकरण किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिस्टिलरी यमुना रिवर के पास होने के कारण हिमालय का जो ग्लेशियर का जो फ्रेशली मेल्टेड वाटर है ना, उसको बड़ी आसानी से एक्सेस कर पाते हैं अपनी विस्कीज को बनाने के लिए। और इंद्री जो है ना, एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है इंद्रिय, जैसे कि हमारे पांचों इंद्रिय है ना, उसी को डिनोट कहते हैं। फाइव सेंसेस जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, टच, साइट एंड साउंड। आइए बॉटल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बॉटल अगर नोटिस कीजिएगा तो देखिएगा कि ये बहुत लंबा बॉटल है और ये जो आपका सिलेंडरिक का कवर है, इसमें ये बॉटल को डाल के अगर किसी को गिफ्ट कीजिएगा तो सोचेगा कि एक लीटर का बॉटल आ गया है। जी हाँ, बहुत लंबा दिखता है। अगर आप इस सिलेंडर कवर को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, पढ़िएगा तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लेंगे इस पर्टिकुलर बॉटल के बारे में। तो मैंने बॉटल को बाहर निकल के रखा हूँ, देखिए कितना सिंपल और वेरी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, बहुत सिंपल रखा गया है। इस डिज़ाइन से ये पता चलता है कि लेट्स टॉक द लिक्विड, नॉट द कवर और नॉट द पैकेजिंग। और मैं बोलूँगा कि बहुत सिंपल डिज़ाइन के साथ साथ ये बहुत स्टेडी भी लगते हैं, टॉल बॉटल की होने के नाते आपको बहुत अच्छा ग्रिप भी देते हैं, आप इसको आराम से पकड़ भी पाते हैं। एंड इसका अंदर का जो कलर है बहुत बढ़िया तरीके से दिखता है, क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर ग्लास बॉटल है इसीलिए। और मैं अगर बताऊं तो इसमें अल्कोहल परसेंटेज जो है 42.8%, 750 ml का ये बॉटल है। और बस बॉटल बहुत सिंपल और साधारण है, बट लिक्विड जो है वो बहुत कुछ बोलता है। फ्रेंड्स, इस बॉटल में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अगर नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है त्रिणी। त्रिणी का मतलब क्या है? यहाँ पर पास में लिखा है थ्री, द थ्री वुड, इसका मतलब
मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जब आप इसको सेवर कीजिएगा तब आपको बढ़िया तरीके से पता चल जाएगा कि आप क्या पी रहे हैं। त्रिनी का मतलब है थ्री, मतलब तीन, और ये जो विस्की है इसको मैच्योर किया गया थ्री अलग अलग बैरल्स में, वुडन बैरल्स में, जैसे कि एक्स बर्बन, एक्स वाइन एंड पेड्रो ह्यूमेनस सेरी कास्क में। ये एक यूनिक ऑफरिंग है, मैं बोलूंगा अनलाइक एनी अदर इन द कंट्री। और इस टेक्निक से उसके का जो ये नाइस एम्बर कलर है ना, ये डेवलप्ड हुई है। साथ साथ इसका जो फ्लेवरिंग नोट्स है, जैसे कि कैरामलाइज पाइनएप्पल का ब्यूटीफुल नोट, वनीला, ब्लैक टी, सिट्रसी नोट, रेजिन, ये सारे कॉम्प्लेक्स नोट आपको मिलते हैं बिकॉज ऑफ थ्री डिफरेंट वुडन बैरल्स। फ्रेंड्स, बॉटल को और थोड़ा नोटिस कीजिए तो देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है नॉन चिल फिल्टर व्हिस्की। इसका मतलब क्या है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इस व्हिस्की के अंदर में वो सारे प्रोटीन, न्यूट्रिशन, फैट एंड ऑयल जो भी होता है वो बरकरार है। एक्चुअली क्या है ना, जितने भी व्हिस्कीज बनते हैं उनमें से 95% व्हिस्की जो होता है ना वो होता है चिल फिल्टर। जी हाँ, नॉन चिल फिल्टर नहीं, चिल फिल्टर। इसका मतलब वहां से प्रोटीन, न्यूट्रिशन, फैट, ऑयल को बाहर निकाल दिया जाता है सो दैट व्हिस्की क्रिस्टल क्लियर दिखे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेता हूं कि आप ये व्हिस्की पोर कर रहे हैं कोई ग्लास में और एक आइस दे दिया तो देखिएगा ये व्हिस्की धुंधला हो जाएगा बिकॉज नॉन चिल फिल्टर। बट आप ऐसे बहुत व्हिस्कीज को पीते हैं, मोस्टली ब्लेंडेड व्हिस्कीज को पीते हैं, उसको अगर ग्लास में डालिएगा और आइस डालिएगा तो देखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज क्रिस्टल दिखेगा। और इसलिए मोस्ट ऑफ द व्हिस्की कंपनीज यही चाहता है कि उसका जो व्हिस्की वो क्रिस्टल क्लियर दिखे, ना कि धुंधला। और ये चिल फिल्ट्रेशन के कारण वो जो न्यूट्रिशन, ऑयल, फैट एंड प्रोटीन निकल जाते हैं, साथ साथ व्हिस्की का कलर भी निकल जाते हैं, तो इसलिए सारे ब्लेंडेड व्हिस्की कंपनी उसमें एडिशनली कलर को इसलिए मिलाते हैं सो दैट वो व्हिस्की जैसा दिखे। बट मैं आपको बोल दूं कि उस चिल फिल्ट्रेशन के कारण आपको व्हिस्की तो मिलते हैं बट व्हिस्की का वो जो बेहतरीन एरोमा, नुमंस एरोमा, वो काफ़ी हद तक गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए नॉन चिल फिल्टर्ड व्हिस्की हमेशा रिकमेंडेड है। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी पीजिए नॉन चिल फिल्टर्ड व्हिस्की को पीजिए। सो हु क्रिएटेड दिस अमेजिंग सिंगल मॉल्ट मैन हु डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, मिस्टर सुरिंदर कुमार, फादर ऑफ इंडियन सिंगल मॉल्ट, हु हैज अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 40 years इन द सिंगल मॉल्ट इंडस्ट्री। साथ साथ मास्टर डिस्टिलर ग्रैंड बाउवी का भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इस बेहतरीन व्हिस्की को बनाने के लिए। अगर आप इस व्हिस्की का इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर व्हिस्की को बनाने के लिए 6 रो बार्ली को इस्तेमाल की गई है। जी हाँ, यूजुअली क्या है ना, स्कॉटिश जो बार्ली होते हैं जिसमें 2 शूट्स रहते हैं, बट इंडियन बार्ली जिसको प्रोक्योर किया गया है राजस्थान से वो आता है 6 शूट के साथ, मतलब 6 रो बार्ली। और ये बार्ली बिल्कुल यूनिक है, और मैं बोलूंगा कि ये जो 6 रो बार्ली है ये इंडिजिनस वैरायटी भी है। और इस 6 रो बार्ली में ज्यादा प्रोटीन एंड एंजाइम मिलते हैं एज कंपेयर टू स्कॉटिश 2 रो बार्ली। इट इज थीनर एंड कंटेंट्स लेस कार्बोहाइड्रेट विच कंट्रीब्यूट्स टू स्वीट एंड फ्रूटी कैरेक्टर्स इन द व्हिस्की। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ब्लेंड। जी हाँ, इसको समझते हैं और जानते हैं कि इसका यूनिकनेस कहाँ है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक सिंगल मॉल्ट व्हिस्की है और इस व्हिस्की को बनाने के लिए जो मेथड, जो प्रोसेस को अप्लाई किया गया है वो स्कॉटलैंड में जो प्रोसेस को अप्लाई करते हैं वही, मतलब स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन द्वारा जो प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है उसी प्रोसेस से ही बनाया गया है। बट इस व्हिस्की का जो मैच्यूरेशन प्रोसेस है ये बिल्कुल अलग है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इट इज मैच्योर्ड इन 3 different barrels एंड ब्लेंडेड केयरफुली टू ब्रिंग आउट द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच वुड। जैसे कि फर्स्ट फिल बर्बन कास्क में, एक्स फ्रेंच वाइन कास्क में एंड पेड्रो ह्यूमेनस सेरी कास्क में मैच्योर किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 3 अलग अलग व्हिस्की बैरल को ब्लेंड करने के बावजूद भी कुछ भी ओवरशैडो नहीं हुआ है, कोई भी फ्लेवर डोमिनेट नहीं कर रहा है, व्हिस्की का जो ओरिजिनल प्रोफाइल है वो बरकरार है। और ऐसे भी इंडियन क्लाइमेट और टेम्परेचर के कारण
विस्की बहुत फास्ट मैच्योर होते हैं वुडन बैरल के अंदर एज कंपेयर टू स्कॉटलैंड, और एंजल शेयर भी काफी हाई होते हैं, और जिसके कारण इंद्र सिंगल मॉल्ट एक स्वीट ट्रॉपिकल फ्लेवर एंड रिच नेचुरल कलर के साथ आते हैं। और मैं बोलूंगा ये एक यूनिक एंड ग्रेट कॉम्बिनेशन है। इट्स ऑफर अ कॉम्प्लेक्स येट फ्लेवर प्रोफाइल मेकिंग इट प्रीमियम एंड एफोर्डेबल। अब जब एफोर्डेबिलिटी की बात बोलता हूं तो मैं बोलूंगा कि दिस इज द व्हिस्की ऑफरिंग यू अ प्योर सिंगल मॉल्ट, वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी, सिर्फ और सिर्फ 2700 में। जी हाँ, ये हरियाणा में आपको मिल जाएगा 2700 में। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये ऑफर करते हैं। कोलकाता में थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, 3900, बट आपके शहर में कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। बट मैं बोलूँगा कि अगर अफोर्डेबिलिटी की बात किया जाए तो सिंगल मॉल्ट इतने सस्ते प्राइस में इम्पॉसिबल है मिलना, वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी। सो बातें कर करके मैं थ्रस्टी बन चुका हूँ, अब मैं करूँगा टेस्ट। तो चलिए व्हिस्की को टेस्ट करते हैं, इसको सील को तोड़ते हैं। काफ़ी अच्छा सील दिया गया है, जैसे कि प्रीमियम व्हिस्की का एक निशानी होते हैं, आप अगर नोटिस करेंगे तो यह कॉर्क। वाओ, कितना मस्त आवाज़ है, एक प्रीमियम क्वालिटी कॉर्क दिया गया है। चलिए मैं एक ग्लास ले लेता हूँ और मैं पोर करूँगा ओनली 30 ml। याद रहे कि आपको मॉडरेट ड्रिंकिंग करना है, प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। व्हिस्की बना है एंजॉयमेंट के लिए, ना कि इंटॉक्सिकेशन के लिए। यार प्लीज़ थोड़ा संभाल के पियो यार, प्लीज़। अच्छा, तो फिर कलर देखते हैं व्हिस्की का। अगर मैं कलर का बात करूँ तो ये डार्क एम्बर कलर है, बहुत ही यूनिक कलर है मैं बोलूँगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर को नहीं मिलाया गया है, ये एक नेचुरल कलर है, जेन्युइन कलर है। इसका अगर विस्कोसिटी का बात करूँ तो इसका जो लेग्स है और टीएस मैं बोलूँगा कि ये स्लोली नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये आपको बहुत अच्छा माउथ फील भी देने वाले हैं, इसका लिंगरिंग इफेक्ट आपको मिलने वाला है। एंड मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसका अल्कोहलिक परसेंटेज शायद हाई हो सकता है, मैं देख लेता हूँ। नहीं, 42.8% अल्कोहल है। चलिए तो फिर नोज कर लेते हैं। वाओ यार, सिंगल मॉल्ट का बात ही कुछ अलग है, जितनी भी व्हिस्कीज आप नोज कर लो बट सिंगल मॉल्ट अलग ही लेवल का है। और कहीं ना कहीं लगता है कि इंद्री ने वो काम बहुत अच्छी तरीके से किया है। इंटरेस्टिंगली मुझे कैरामलाइज पाइनएप्पल का नोट मिल रहा है, कैरामलाइज पाइनएप्पल, जैसे पाइनएप्पल को कैरामल में टॉस किया गया है। मुझे हल्का नट्स का नोट मिल रहा है, उडी है थोड़ा सा, मॉल्ट का भरपूर नोट्स मुझे मिल रहा है, फ्रेश मॉल्ट का जो नोट होता है ना वो। इवन मैं बोलूंगा सुबह सुबह हम लोग जो ब्रेड्स खाते हैं ना, उस ब्रेड का नोट मुझे मिल रहा है, हल्का वनीला एंड कहीं ना कहीं ब्लैक टी का नोट मुझे मिल रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए पैलेट में लेकर आपसे बात करते हैं कि इसका पैलेट में क्या क्या नोट्स मिलते हैं। स्मूथ एंड यू कैन फील इट यार, आप फील कर सकते हो, वो वार्मनेस भी है साथ में, वो क्लियरनेस भी है। आप क्लियर एक स्पिरिट को पिया है, आपको समझ में आता है, आपका माउथ अच्छी तरीके से वाटरी बन जाते हैं, और साथ साथ वो जो फ्लेवर्स नोट है वो बड़ी अच्छी तरीके से मिलने लगते हैं। फ्रेंड्स मैं बोलूँगा ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड व्हिस्की है, हिंट ऑफ स्पाइस एंड ओक का, हल्का सिट्रसी नोट आप फील कर सकते हो, साथ में टॉफी उसका भी नोट आपको बड़ी मात्रा में मिलते हैं, एंड एट द एंड आपको हल्का सिनेमन का नोट भी मिल सकता है। काफ़ी वर्सेटाइल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट एट द सेम टाइम बहुत सिंपल भी है। एंड अगर फिनिश का बात करूँ तो मैं एहसास कर पा रहा हूँ कि ये काफ़ी लॉन्ग फिनिश है, काफ़ी देर तक रख देते हैं। आप अगर ग्लास को कहीं इधर उधर रख भी दोगे तो भी आप वो जो लिंगरिंग इफेक्ट है उसको आप एहसास कर पाओगे, साथ साथ आपको फ्रूटी एरोमास का नोट कंटिन्यू देकर जाते हैं।
तो ये था मेरा इंडी सिंगल मॉल्ट व्हिस्की के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो फिर आते हैं कंक्लूशन में। फ्रेंड्स, कंक्लूशन में मैं यही बात बोलूंगा, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगल मॉल्ट एंड ये प्रूव भी हो चुका है वर्ल्ड वाइड। इंद्री सिंगल मॉल्ट 2022 में मोस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड को जीत चुका है। ये व्हिस्की नॉन चिल फिल्टर्ड व्हिस्की है जो बहुत रेयर है इंडिया में मिलना। ट्रिपल कास्क एजिंग इस सिंगल मॉल्ट व्हिस्की को बिल्कुल अलग करते हैं इंडिया में जितने भी व्हिस्कीज हैं उनके साथ। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि अफोर्डेबल प्राइस, इस प्राइस में आपको सिंगल मॉल्ट मिलना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। तो टेस्ट जरूर कीजिएगा, बट साथ साथ याद रखिएगा कि ड्रिंक मॉडरेटली, ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली। तो थैंक यू सो मच, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।